हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, आपके सामने जो नजर आ रहा है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के बीच में अंतर क्या है। दरअसल आपको इस बात का भी भली भांति पता होना चाहिए, जैसे कि कौन सी अप्रोच के माध्यम से आपके सवाल आने वाले हैं और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। क्योंकि देखो, मॉडर्न और ट्रेडिशनल के अंदर कहीं ना कहीं अंतर है, क्लाद से रिलेटेड भी बहुत अंतर है, और अगर देखा जाएगा फ्रेज के अंदर भी बहुत अंतर है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि फ्रेज तीन तरह के आप पढ़ते हो, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब, वहीं पर आपको छह प्रकार के मॉडर्न में मिलेंगे। और वो मॉडर्न अप्रोच, इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो भाषा अगर आई है तो कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही होंगी। भाषा पहले आई है, रूल बाद में बने हैं, परंतु अब ठीक है, उस समय इतनी वो नहीं थी, आपने देखा होगा एजुकेशन सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है ना, तो कमियां तो आएंगी। जैसे मोबाइल अपडेट होता रहता है, तो क्यों होता है, क्योंकि नई चीजें आती हैं, कमियां निकाली जाती हैं। जैसे कि टेंस में मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, टेंस दो होते हैं। ट्रेडिशनल आप क्यों फॉलो करोगे, क्योंकि ट्रेडिशनल ने ये कहा कि टेंस अगर तीन होते हैं, तो फिर मॉडर्न अप्रोच ये कह रही है कि अगर भाई साहब तीन होते हैं तो हमें ये बताइए वर्ब कहां से लेके आओगे। यू डोंट हैव वर्ब, यानी जो विल सेल है वो तो मॉडल है, और आप कह रहे हो कि वर्ब बताने वाले टेंस होता है, तो फिर वर्ब फ्यूचर की कोई है नहीं। तो फिर इस बात में फिर मानना पड़ता है मॉडर्न अप्रोच को कि हाँ ये सही है कुछ जगहों पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और यही चीज आपके बढ़िया एग्जाम के अंदर देखने को भी मिलती है, जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि वहां पर आपको एक टीचिंग का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज यू कांट टीच। तो चलिए देखते हैं आज की इस अप्रोच के बारे में कि कहां से क्या बातें चलती हैं। देखो पहली बात, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे, वर्ड से पहले भी मोर्फिम और फनीम होते हैं, लेकिन वर्ड से क्या बनते हैं, फ्रेज बनते हैं। क्या बनते हैं, वर्ड से क्या बनते हैं, फ्रेज बनते हैं। लेकिन एक वर्ड का भी फ्रेज होता है, ये कौन कहता है, मॉडर्न अप्रोच कहती है कि अगर एक शब्द है तो भी वो फ्रेज कहलाया जाएगा, परंतु ट्रेडिशनल कहती है एक नहीं, एक से ज्यादा शब्द होने चाहिए और उनका समूह होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा कैमरा हिल चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं, अगर देख लेता हूं नहीं है सही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर फ्रेज, फ्रेज से क्या बनते हैं, क्लाज बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लोज बनते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ये ध्यान रखें, सेंटेंस बनते हैं क्लोज से, तो एक बात तो आप ये ध्यान रखें। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा मैंने पहले सेंटेंस पढ़ाया था, फिर मैं आपको क्लोज लेके आ रहा हूं, क्लोज के बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, फ्रेज पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, फ्रेज पढ़ाऊंगा, आप समझ में रहे हो। अब आपको ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो कभी भी कोई चीज होती है वो बड़ी चीज होती है ना, बड़ी विस्तार में वो चीज आसान रहती है, बड़ी चीज देखने में याद रखने में आसान रहती है, लेकिन मैं आपको पहले दिन शब्द सिखाने लग जाऊं, छोटी छोटी बारीकियां सिखाने लग जाऊं, तो बड़ी मुश्किल होगी उन चीजों को सीखने में। तो पहले एक जो एक्सटेंसिव पार्ट है वो हम उसका विस्तार से जान लेते हैं। तो देखते हैं क्लोज के बारे में क्या राय है। अब ट्रेडिशनल अप्रोच आप ध्यान से देखिए, नीचे की साइड अगर हम स्लाइड में चलें थोड़ा सा, तो यहां पर आप क्लोज के बारे में देखें कि 1960 से पहले क्या थी ट्रेडिशनल अप्रोच मानी जाती है, और उसके बाद की क्या मानी जाती है, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, आफ्टर दैट क्या मानते हैं, मॉडर्न अप्रोच मानते हैं 1960 के बाद, यानी अभी तक जो चल रही है वो मॉडर्न अप्रोच चल रही है 1960 से अब तक। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात। तो जो 1960s के अंदर क्या है, वो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, टेंस बताने वाली, कौन सी होती है, टेंस बताने वाली होती हैं, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा कैमरा हिल चुका है इसलिए मैं सही करता हूं, माफी चाहूंगा बीच में। क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब के अंदर हाँ हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जो टेंस बताएंगे वो फाइनाइट होंगी, लेकिन ये कह रहे हैं अगर फाइनाइट वर्ब मतलब टेंस बताने वाला कोई क्लाज है तो उसके अंदर वो कौन कौन से बनेंगे, टेंस बताने वाली वर्ब से मैन क्लाज बनेंगे और सबऑर्डिनेट क्लाज बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, दो ही क्लाज बनेंगे टेंस बताने वाली वर्ब से, यानी जहां टेंस बताने वाली वर्ब होगी तभी तो क्लाज होगा, और क्लोज होगा तो फिर वो मैन क्लाज होगा या फिर सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। ये कौन कह रहा है, ट्रेडिशनल अप्रोच कह रही है। ये कहता है नॉन फाइनाइट क्लोज नहीं होता, नॉन फाइनाइट क्लोज नहीं होता है इंग्लिश में। ये कौन कह रहा था, 1960 के पहले की इंग्लिश कह रही थी, लेकिन वर्तमान इंग्लिश क्या कहती है, देखो ये फाइनाइट पर तो दोनों ही सहमत है कि हाँ ठीक है फाइनाइट क्लोज होता है। फाइनाइट क्लोज मैं आपको बताऊंगा, अभी टेंशन ना ले, फाइनाइट क्लोज कैसे होता है, देखो मैं लिखता हूं यहां पर, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो देखो एम टेंस बताने वाली वर्ब है या नहीं है,
अब टेंस बताने वाली वर्ब है और ये सब्जेक्ट भी है, टेंस बताने वाली वर्ब भी है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फाइनाइट क्लोज ही है। ये क्या है, फाइनाइट क्लोज है, क्योंकि फाइनाइट वर्ब है या नहीं है ये है, तो इसको फाइनाइट क्लोज ही बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये फाइनाइट क्लोज या तो क्या होगा, ये मैन क्लाज है, यहां पर ये क्या है, मैन क्लाज है। और सबऑर्डिनेट क्लाज हम जैसे कि हमने एडवर्बियल क्लाज में पढ़े होंगे, आपको मैं बताऊंगा अभी बाद में, लेकिन आप एक बार सुन दो, ये फाइनाइट क्लोज है और एक सबऑर्डिनेट क्लाज भी बनता है इसके अंदर, ठीक है। परंतु ये क्या कह रहे हैं कि फाइनाइट क्लोज में तो ठीक है मैन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज होंगे, परंतु ये मॉडर्न अप्रोच कहती है कि नॉन फाइनाइट क्लोज भी होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट क्लोज में सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लोज ही बनता है। फाइनाइट क्लोज यानी जिस तरह से हम कह रहे हैं मैन क्लोज नहीं बनता, नॉन फाइनाइट में ओनली क्या बनेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा, मैन क्लोज नहीं होता। ये बात समझ में आई क्या आपके? ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि फाइन मॉडर्न अप्रोच कहती है कि नॉन फाइनाइट क्लोज भी होता है, लेकिन नॉन फाइनाइट क्लोज से सबऑर्डिनेट बनता है, जिस और कोई सही नहीं बनता। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी फ्रेज के बारे में, क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक सी चीजें बताना चाहता हूं। अब मैं आपको थोड़े से उदाहरण दे देता हूं, रुको, क्या कहना चाहता, देखो ऊपर वाली बात क्या है, मैं यहां खाली जगह मिली है हमें तो यहां लिख देते हैं, आई वांट टू टीच यू। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, आई वांट टू टीच यू, हम अभी क्या पढ़ के आए कि टेंस बताने वाली वर्ब है, टेंस बताने वाली वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा जो हुआ कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक हुआ, ये फाइनाइट क्लोज। इस बात पर तो दोनों ही सहमत हैं, चाहे वो मॉडर्न इंग्लिश हो चाहे ट्रेडिशनल हो। परंतु जो ये कहते हैं, देखो टू टीच यू, ये इतना पूछ लिया जाए तो ये होता है नॉन फाइनाइट, क्या होता है ये, नॉन फाइनाइट। लेकिन ये जो इतना है नॉन फाइनाइट टू टीच यू तक, ये कौन मानती है, मॉडर्न इंग्लिश मानती है कि ये भी नॉन फाइनाइट क्लोज है, ये भी क्या है, नॉन फाइनाइट क्लोज है, ये बात ध्यान रखें। परंतु ट्रेडिशनल इंग्लिश ऐसा नहीं मानती कि नॉन फाइनाइट क्लोज होता ही नहीं। किसके अनुसार नहीं होता, ट्रेडिशनल के अनुसार नहीं होता, लेकिन मॉडर्न के अनुसार क्या है, ये होता है, ट्रेडिशनल के अनुसार ये नहीं होता। ये बात समझ में आ गई, इसी को कहते हैं, देखो ये रहा, ये इतना नॉन फाइनाइट क्लोज है ये, क्योंकि ये जो टेंस नहीं बताती वो वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट ही तो होती है, और इसी को नॉन फाइनाइट क्लोज का नाम दे दिया, क्योंकि देख लो इसमें शब्द भी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात का। ये कौन कहता है, ये कहता है मॉडर्न इंग्लिश, जो ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न है उनके बीच का अंतर। तो चलो आगे बात करते हैं, फ्रेज के भी जान लेते हैं। अब फ्रेज के बारे में भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड एक शब्दों का समूह अगर होगा तो उसको फ्रेज कहलाया जाएगा। ये कौन कहता है, ये कहता है ट्रेडिशनल इंग्लिश। क्या कहती है ये, क्या कहती है, ग्रुप ऑफ वर्ड होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये कौन कहती है, ट्रेडिशनल इंग्लिश कहती है, ध्यान रखें इस बात का। ये कौन कहती है, ट्रेडिशनल इंग्लिश। लेकिन अगर बात करें, लेकिन सिंगल वर्ड होगा तो कोई फ्रेज नहीं माना जाएगा। जैसे अब मैंने लिख दिया राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, तो इसमें ये राम है ये कोई फ्रेज नहीं है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश क्या कहती है कि ये फ्रेज है, और इसको नाम दे दिया नाउन फ्रेज, यानी एनपी नाउन फ्रेज। ये देखो यहां ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी एक शब्द भी फ्रेज माना जाएगा और एक शब्दों का समूह भी माना जाएगा, ये मॉडर्न इंग्लिश मानती है। 1960 के बाद के जो वैज्ञानिक हैं, जो यहां पर हमारे शिक्षाविद हैं, वो ये मानते हैं कि एक शब्द का भी फ्रेज माना जाएगा, और उसे नाउन नाउन है तो नाउन फ्रेज बोल दो, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव फ्रेज बोल दो। अब रही बात यहां पर नॉन फाइनाइट फ्रेज की, तो यहां पर देखो नॉन फाइनाइट फ्रेज कौन है, अब ये नॉन फाइनाइट क्लोज तो नहीं मानते, लेकिन वो नॉन फाइनाइट क्लोज नहीं मानते तो इसको क्या कहते हैं, क्योंकि देखो एक से ज्यादा शब्दों का समूह है या नहीं है। यहां पर मैं दोबारा से इरेजर करके बता रहा हूं आपको, क्या कह रहा है, आई वांट टू टीच यू। अब मेरी बात सुनो, ये वाला एक से ज्यादा शब्द है या नहीं है यहां पर, ये देखो, तो ये फ्रेज तो है ही है, अगर क्लोज नहीं मानते तो फ्रेज तो है ना, क्योंकि ये कह रही है ग्रुप ऑफ वर्ड क्या कहलाएगा, फ्रेज ही कहलाएगा। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि फ्रेज है ये क्लोज नहीं है, नॉन फाइनाइट क्लोज नहीं है, नॉन फाइनाइट फ्रेज है। दूसरी चीज, आप इनके अंदर क्या चीजें पढ़ने को आपको मिलेंगी, या फ्रेज के अंदर आपको चीजें मिलेंगी, वो है इनफाइनाइट फ्रेज मिलेंगे इसके अंदर, क्योंकि वो आगे बताऊंगा मैं आपको, यहां से समझ नहीं आएगा। पार्टिसिपल फ्रेज मिलेंगे और जीरंड फ्रेज भी मिलेंगे, आपको धीरे धीरे पता चल जाए, आते भी हैं, बस आपने नाम सुना होगा अजीब तरह से तब लग रहा होगा आईएनजी वाले, ठीक
ठीक है ना, जीरेंड में आईएनजी आ गया, पार्टिसिपल में आपने देखा होगा थर्ड फोरम से कोई बनाते हैं, तो फिर आगे देखते हैं। अब दूसरी बात आई हमारी मॉडर्न पर, क्या कि एक शब्द का भी होता है, तो ये नॉन फाइनाइट फ्रेज नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नॉन फाइनाइट फ्रेज नहीं तो क्या मानते हैं, क्लोज मानते हैं ना, ये तो इसको क्लोज मानते हैं। दूसरी बात, सेम आगे नाम है इन्फिनिटिव क्लोज, ये नाम देते हैं क्लोज का, क्या कहते हैं ये, क्लोज कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट फ्रेज कह रहे हैं, तो ये क्या मान रहे हैं, क्लोज मान रहे हैं। ये पार्टिसिपल फ्रेज मान रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं, क्लोज मान रहे हैं। ये क्या मान रहे हैं, जीरेंड फ्रेज। ये क्या कर रहे हैं, जीरेंड क्लोज। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज को, लेकिन ये मैं बाद में आपको बताऊंगा इन्फिनिटिव पार्टिसिपल्स और जीरेंड फ्रेज क्या होते हैं। खैर, इसमें भी फ्रेज ही है, लेकिन कब क्या चीजें होंगी ये थोड़े से कंडीशन के आधार पर मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आप आगे बात करते हैं रियल में टर्मिनोलॉजी है क्या, ये तो मैंने बताई दिया आपको। यहां पर आपने देखा होगा ट्रेडिशनल इंग्लिश में इन्फिनिटिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल्स आप इतना ही पढ़ते हो, क्लोज फ्रेज एक बार छोड़ दो, ये आगे की बातें क्या है, और जीरंड, ये तीन चीजें आप पढ़ते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट पेज पर हम फोकस करते हैं। अब फ्रेज की बात करें तो देखो, आपने ट्रेडिशनल इंग्लिश जो है उसमें क्या पढ़ा था कि तीन तरह के फ्रेज होते हैं, कि कौन कौन से, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। लेकिन अगर हम बात करें मॉडर्न इंग्लिश की, क्या बात करें हम, अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें हम, तो यहां पर क्या होते हैं, नाउन फ्रेज होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, एडवर्ब। ये तो तीनों सेम ही हैं, ये क्या है, तीनों सेम है। लेकिन इसमें वर्ब फ्रेज भी मानते हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी मानते हैं, जेनेटिव फ्रेज मानते हैं। देखो, यहां मैं इनसे सहमत हूं बहुत अच्छी तरह से, एक बात बताओ मुझे, सहमत क्यों है? देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक शब्दों का समूह क्या कहलाता है, जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए, वो फ्रेज कहलाता है। एक शब्दों का समूह है जिनके पास फाइनाइट वर्ब ना हो, द बॉय विद रेड हेयर, यहां तक बताओ ये शब्दों का समूह है, ट्रेडिशनल इंग्लिश कहती है कि ये क्या है, फ्रेज है। क्लियर हो गया? फ्रेज ही इंग्लिश सारे ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न हो, ये तो फ्रेज ही होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब होनी जरूरी है क्लाज के लिए। तो वो वहां थोड़ा सा, यहां पर देखो थोड़ा सा, ये यहां पर मिस प्रिंट हो गया, ये क्लोज नहीं फ्रेज है यहां पर, ठीक है ना, ध्यान रखें ये मिस प्रिंट हो गया। अब आगे की बात करते हैं, देखो ध्यान से, यहां से पता चल जाएगा। लेकिन ये टेंस बताने वाली वर्ब यहां आ गई, यहां क्या आ गई, यहां पे ये टेंस बताने वाली वर्ब। तो अब अगर हम बात करें इस पूरे को, तो ये पूरा तो हो गया एक क्लोज, क्या हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर इतने की, कितने की, इतने की, यहां तक, इस वर्ब से पहले वाला, द बॉय विद रेड हेयर, ये है फ्रेज। ये क्या है, फ्रेज है। तो ये नाउन फ्रेज है या कौन सा फ्रेज है, देखो इज से पहले आया है तो ये क्या, हमेशा क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट नाउन भी बनता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। द बॉय विद रेड हेयर, तो किसका जिक्र है यहां, ये बॉय का जिक्र है, यहां किसका जिक्र है, बॉय का जिक्र है, इस लड़के का जिक्र है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज, क्या होगा, नाउन फ्रेज। तो ये तो दोनों इंग्लिश में है, क्योंकि अनेक शब्दों का तो दोनों ही मानती है ना, एक शब्द का ओनली मानती है कौन, ट्रेडिश जो मॉडर्न इंग्लिश है वो। लेकिन ये इज वाला है ना, ये वाला, ये ट्रेडिशनल इंग्लिश कहती है कि ये कोई फ्रेज नहीं होता, ये वाला तो मॉडर्न कहती है ये होता है। क्यों, वो तो कह रही है ना कि एक शब्द है तो भी क्या है, एक शब्द है तो भी फ्रेज है, तो फिर ये वर्ब है, तो ये क्या कहलाएगी, वर्ब फ्रेज कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, ये वर्ब फ्रेज कहलाएगी या नहीं कहलाएगी, सही बताओ, बिल्कुल कहलाएगी। अब रही बात, ये कहती है प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसे हम कहते हैं पीपी, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज को क्या कहेंगे, पीपी शॉर्टकट में, आगे समझ जाना आप। तो बताओ विद है ये, विद रेड हेयर, तो ये विद के साथ ये इतना है ना, विद रेड हेयर वाला, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज मानती है, कौन मानती है, ये मॉडर्न इंग्लिश मानती है। तो कितने हो गए, दो और दो, एक तो ये वर्ब फ्रेज हो गया, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, एक हो गया जेनेटिव फ्रेज। जेनेटिव फ्रेज कौन से होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे देखो ये वाला, राम एज बुक, राम एज ए बुक, तो ये देखो, ये इस तरह के एपोस्ट्रोफी और कोमा लग के आ जाते हैं ना, इन्हीं को ही कहते हैं जेनेटिव फ्रेज। तो यहां पर आप ये बात ध्यान रखें कि इसी को ही जेनेटिव फ्रेज कहा जाता है। तो ही इज प्लेइंग में देखो, ही यहां पर मॉडर्न इंग्लिश कहती है ये भी एक फ्रेज है, और ये नाउन है या नहीं है, नाउन है तो नाउन फ्रेज हो गया, क्या हो गया, नाउन फ्रेज, ठीक है ना। इसी तरह से इज प्लेइंग, ये वर्ब है कि नहीं है, तो अनेक शब्दों का तो वैसे होता ही है, तो इसी को ही कहती है ये वर्ब फ्रेज। फुटबॉल ऑब्जेक्ट है,
ये नाउन ही है और नाउन है तो नाउन फ्रेज फिर से हो गया, ऑब्जेक्टिव फ्रेज मत बोल देना नाउन ही। इन द फील्ड मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ये इन द फील्ड क्या है, पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या है पूरा का पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह से इनके साथ यहां द रूम, तो ये भी प्रीपोजिशन के साथ आया तो इसलिए पीपी यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्लियर हो गया मेरी बात। यहां इन द रूम द बॉय इज है, सॉरी शायद इज इन द रूम, ये थोड़ा सा मिसटाइप हुआ है। तो यहां पर आप देखो ये इज स्टडिंग यहां देख रखा, तो इज स्टडिंग क्या हो गया वर्ब फ्रेज और ये द बॉय क्या हो गया नाउन फ्रेज। अब आपके मन में सवाल आता है सर मॉडर्न इंग्लिश का कैसे पता चलेगा, बात सही है कि मॉडर्न इंग्लिश में कैसे पता चलेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखें। वहां पर आपको मेंशन कर देते हैं कुछ एक सिलेबस के अंदर, लेकिन नहीं करेंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अगर मेंशन करेंगे, जैसे मान लो आप आर्टिकल किस में पढ़ते हो, डिटरमिनर में पढ़ते हो, किस में पढ़ते हो डिटरमिनर में पढ़ते हो, तो ये भी क्या है मॉडर्न अप्रोच है, क्योंकि ट्रेडिशनल इंग्लिश में कहीं आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश की कोई किताब देख लो डिटरमिनर नहीं मिलेगा, वहां सीधा क्या मिलेगा ये डिटरमिनर की बजाय एडजेक्टिव में मिलेंगे आपको। जहां आर्टिकल एडजेक्टिव में मिले ना तो ये सोच लेना वो किताब आपकी ट्रेडिशनल इंग्लिश पर आधारित है, और जहां आर्टिकल आपको डिटरमिनर में मिले तो ये सोच लेना वो किताब आपकी मॉडर्न अप्रोच पर भी आधारित है। चलिए आशा करता हूं आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई गलती हुई है तो माफी चाहता हूं, कोई मिस प्रिंट हुआ है तो भी माफी चाहता हूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।